आज हम लोग करेंगे 4.3 एग्जाम्पल, जिसमें क्वेश्चन ने कहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ मूव करता है, लेकिन इस पाथ से जो कि दी गिवन है पाथ एज शोन इन फिगर, इफ द पोजीशन वेक्टर आर नॉट मेक, अब इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन जो दिया गया है वो दोनों के पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया है, तो कह रहा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। देखिए वेक्टर सम आपने पढ़ा होगा कि ए और बी को जब हम ऐड करते हैं तो इसका आता है ए प्लस बी, यानी इसका और इसका जो रिजल्ट है ए प्लस बी। तो इस तरह देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर वन और ये डेल्टा आर, यानी इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों ऐड होंगे तो ये आर टू आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर वन प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू। बट हमको चाहिए क्या, हमको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर चाहिए, तो आर टू में से आर वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, तो डेल्टा आर का मॉड जब भी निकालेंगे तो आपने फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन इसके बीच में एंगल है, तो यहाँ पर वेक्टर के रूल के हिसाब से फार्मूला लगेगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू और कॉस उनके बीच का एंगल, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। तो इस फार्मूले से हमारे मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का फाइंड हो जाएगा, और अगर आर वन आर टू की वैल्यू दी होगी तो वैल्यू रख करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुड बाय।